गुड इवनिंग बच्चों, अभी भी सारे लोग ऑनलाइन नहीं आए हैं। चलिए कैरम शुरू कर देते हैं। तो आगे के जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें से दो डिसऑर्डर्स को सीखने के लिए एक्चुअली तो ये नॉलेज सबको होनी चाहिए, 11th क्लास से भी हमने बता रखा है। ये जो हीमोग्लोबिन है उसको हम एब्रीविएट करते हैं HB से। हीमोग्लोबिन इज ऑलवेज रिटन एज HB, ठीक है। और इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। टू अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। तो ये नॉलेज जरूरी है आगे के दो डिसऑर्डर्स को सीखने के लिए। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर रब करता हूं मैं। सो नंबर 1 इज सिकल सेल एनीमिया। नॉर्मल RBC, इट इज बाइकॉनकेव डिस्क लाइक। बाइकॉनकेव डिस्क लाइक, अगर ऊपर से देखेंगे तो डिस्क है और साइड से देखेंगे लेटरली ऐसे देखेंगे तो ये गोल है, और ऐसे देखेंगे साइड से तो ये बाइकॉनकेव लाइक दिस। इससे क्या होता है, इस केस में इट बिकम्स लाइक द ब्लेड ऑफ अ सिकल। सिकल कहते हैं दनाती को, घास काटने का जो टूल होता है फार्मर्स के पास, दनाती। तो नीचे एक हैंडल होता है, एक ब्लेड होता है, दिस इज द हैंडल एंड दिस इज द ब्लेड, ऐसे। तो ये सिकल शेप हो जाती है। सिकल शेप हो गई तो इसका मतलब वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम होने से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। And the patient suffers from paucity of oxygen, ऑक्सीजन की कमी। और फिर उससे क्या होता है, ऑफ कोर्स कार्डियक प्रॉब्लम्स आ जाती है। द ब्लड इज नॉट गेटिंग इनफ ऑक्सीजन, डिफरेंट टिश्यू विल डेफिनेटली सफर। लेकिन ये हुआ क्यों, इसका जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म हमारी बुक में दिया हुआ है Chapter 5 में, वो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा Chapter 6 पढ़ने के बाद। अभी तो सिर्फ हम ये जान लें कि जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन्स अगर आप नॉर्मल को देखेंगे, नॉर्मल बीटा चेन, तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड होता है, अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड इज प्रेजेंट। इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया जो बीटा चेन्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6 पोजीशन पर वैलिन आ जाता है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ग्लूटामिक एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय वैलिन। अब ऐसा क्यों हुआ वो हम तब सही से जान पाएंगे जब हम DNA से RNA बनने का प्रोसेस और RNA से प्रोटीन बनने का प्रोसेस चैप्टर 6 में अच्छे से सीख लेंगे। तब वापस आकर भी देखेंगे कि चैप्टर 5 में हमारी बुक में क्या लिखा था, क्योंकि वहां पर ये एग्जांपल रिपीट हुआ, ठीक है ना। तो इसलिए आप इतना फिलहाल जानते हैं। इट इज ऑफ कोर्स एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। और हम ये भी लिखते हैं कि HbA This is the blood of normal human adult carrying this allele. Adult. A for adult. This is normal allele. And it is dominant. Sickle cell के लिए हम small s का use करते हैं. That I'll show you, पहले आप ये note करिए. Okay. So when we say HbA, this is totally normal. HbS, this is carrier, asymptomatic. HbS,
एटलीस्ट ऑटोसोमल है ना और रेसेसिव है तो सिर्फ होमोजाइगस में एक्सप्रेस करेगा, हेटरोजाइगस में एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक है, यहां हेमीजाइगस की बात ही नहीं क्योंकि ऑटोसोमल है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिसऑर्डर थैलेसीमिया। सिकल सेल एनीमिया में आपको बता चुका हूं क्रोमोसोम 11 इन्वॉल्व है ना, और सिर्फ दो ही एलील है, एक क्रोमोसोम पर दो ही एलील है। बट जब हम बात करते हैं थैलेसीमिया की, तो आपको खुद डिफरेंस पता चल जाए। अभी आपने सिकल सेल एनीमिया में देखा कि बीटा चेन पूरी बन रही थी लेकिन उसमें फॉल्ट था, सिक्स पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिना, चेन तो पूरी बनी लेकिन फॉल्टी चेन बनी। तो सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। क्वालिटी ऑफ हीमोग्लोबिन चेंजेस, सो इट इज अ क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। अब देखिए, जैसे अभी आपने पढ़ा कि हीमोग्लोबिन में दो अल्फा चेन होती है, दो बीटा चेन होती है ना, थैलेसीमिया भी दो तरह का है, टू टाइप्स। थैलेसीमिया ए, कुछ बुक्स में एनसीईआरटी में ए डैश लिखा होगा एंड थैलेसीमिया बी, कुछ बुक्स में ए कैप लिखा होगा, ए डैश और ए कैप पुरानी बुक्स में, नई बुक में चेंज कर दिया। ठीक है, यहां क्या होता है, ए में अल्फा चेन्स आर सिंथेसाइज्ड टू फ्यू कम बनती है, एंड इन दिस केस बीटा चेन्स आर सिंथेसाइज्ड टू फ्यू, थोड़ी बनती है। तो ये हुआ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, यस और नो? एनसीईआरटी में बहुत बड़ा सा पैराग्राफ है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसे आपके लिए बहुत छोटा करूं। थैलेसीमिया ए के लिए टू जीन्स मींस टू पेयर्स ऑफ एलील्स means four alleles are responsible, बोलिए हाँ या ना। अगर जीन दो है तो एलील चार होंगी नॉर्मली यूजुअली, राइट। ये दो जीन्स कौन सी है और कहां पर है? ये दोनों जीन्स क्रोमोसोम 16 पर है और क्लोजली लिंक्ड है, याद रखिएगा क्लोजली लिंक्ड, पेरेंटल ज्यादा आएंगे और इनके नाम है HBA1 एंड HBA2। तो चार एलील हो गए, दो इसके दो इसके, दोनों जीन्स क्रोमोसोम 16 पर हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? अब जब हीमोग्लोबिन कम बनेगा पेशेंट को हीमोग्लोबिन देना पड़ेगा कि नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं दे रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और जो स्किन का कलर है वो डार्क हो जाता है। एक साल तो मेरे 12th के बैच में एक बच्चा था जो हर 15 दिन पे जाता था, 21 दिन पे जाता था ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, उसको थैलेसीमिया। तो जब ये टॉपिक आया तो उसने मुझे बताया कि सर मुझे ये सुन के बहुत मतलब
दर्द होता है, दुख होता है when you face such type of issues, you know. तो इसलिए आप ऊपर वाले से दुआ करिए कि सब लोग सेफ है. इस केस में वन जी तो वन पेयर ऑफ एल और यू कैन से टू एलील्स किस पर है, क्रोमोसोम 11 पर, और नाम है जीन का एच बी बी, बी फॉर बीटा चेन, ए फॉर अल्फा चेन. इससे याद होता है, खत्म, बुक में इतना ही है. देखिए कितना शॉर्ट हो गया ये. और बच्चों याद रखने का भी तरीका यही है, बुक से अगर हम पढ़ते हैं ना तो हमें याद नहीं होगा क्योंकि हम पूरे एक पैराग्राफ में सब कुछ दे दिया. बट अगर ये आपके सामने है, आपने दोनों को सेपरेट कर लिया है, अपने लिए इजी कर लिया है, तो काम आसान हो जाता है. तो सबसे पहले हम दोनों को रीड कर लेते हैं एनसीईआरटी से, सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया. पहले थैलेसीमिया को पढ़ते हैं बुक में क्या लिखा है. आर्टिकल 5.6.2 दिस इज ऑल्सो एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव. ओके, ये तो हमें मालूम ही है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. ठीक है, हमारे सिलेबस में और कोई है नहीं, ये तो हम चार्ट में भी लिख चुके हैं. डोमिनेंट का सिर्फ नाम याद करना है, मायोसोमल डिस्ट्रॉफी का. ऑटोसोम लिंक रिसेसिव ब्लड डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स और पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन. The defect could be due to either mutation or deletion, which ultimately results in reduced rate of synthesis of one of the globin chains, alpha and beta chains that make up hemoglobin. कुछ books में A dash और A cap लिखा हुआ है. Alpha को A dash लिखा है और beta को A cap लिखा है. This causes the formation of abnormal hemoglobin molecule resulting into anemia, which is the characteristic of the disease. Thalassemia can be classified according to which chain of hemoglobin molecule is affected. In A' thalassemia or thalassemia A, production of A' or alpha globin chain is affected, while in thalassemia B or A cap, production of beta globin chain is affected. A' thalassemia is controlled by two closely linked genes, HBA1 and HBA2, on chromosome 16 of each parent, and it is observed due to mutation or deletion of one or more of the four genes. Four genes ka matlab four alleles. Theek hai? The more genes affected means the more alleles affected, less alpha globin molecule produced. While A-cap thalassemia or thalassemia B is controlled by a single gene HBB on chromosome 11. Of each parent and other due to mutation of one or both the genes, means both the alleles. Thalassemia differs from sickle cell anemia in that former is quantitative problem of synthesizing too few globin molecule, while the latter is a qualitative problem of synthesizing an incorrectly functioning globin. और तो कुछ हमारे बच्चों को एक्स्ट्रा नहीं मिला इसमें. कमिंग ऑन टू सिकल सेल एनीमिया नाउ, दिस इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर कैरियर फॉर द जीन और हेटेरोजाइगस. द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील, HBA एंड HBS. आउट ऑफ द थ्री पॉसिबल जीनोटाइप ओनली HBS HBS शोस द डिजीज. Heterozygotes individual appear apparently unaffected, but they are carrier of the disease as there is 50% probability of transmission of the mutant gene to the progeny, thus exhibiting sickle cell trait. The defect is caused by substitution of glutamic acid by valine at the 6th position of beta globin chain of hemoglobin molecule. आगे क्या लिखा है उसको अभी छोड़ दीजिए, चैप्टर 6 के बाद पढ़ेंगे उसे. ठीक है, इसको रन कर दूं. If you have done this, moving on to the next autosomal recessive disorder, that is phenylketonuria, PKU. Phenylalanine is essential amino acid. हमने 11th में पढ़ा था, हमारी डाइट में होना चाहिए, हमारी बॉडी में ये नहीं बन सकता. जब हमारी डाइट में ये होता है और हमारी बॉडी में जाता है तो
वहां जाकर के इससे बनता है टायरोसिन, ये भी अमीनो एसिड, ए फॉर अमीनो एसिड। टायरोसिन का क्या होता है, ये जो थायराइड ग्लैंड है उसमें टायरोसिन जब तीन आयोडीन के साथ जुड़ता है बनता है ट्राई आयोडो थायरोनिन और टी थ्री। टायरोसिन अमीनो एसिड जब चार आयोडीन के साथ जुड़ता है तो बनता है थायरोक्सिन और टी फोर। मैं हमेशा ऐसे लिखता हूं, अब इसे टेट्रा आयोडो थायरोनिन क्यों बने, वो तो जब जरूरत होगी हम बना लेंगे। हमें हमेशा कंफ्यूजन रहेगा बंदो कि टी थ्री और टी फोर में थायरोक्सिन कौन, आप नाम ही एक लिखिए टेट्रा आयोडो थायरोनिन, तो आप जब चाहे बना सकते हैं ना इस नाम से टी फोर से। इन दोनों हार्मोन के फंक्शन हम 11th में पढ़ करके आएंगे और वहां ये बात होगी कि 12th में भी हम आएंगे क्या होगा इनके फंक्शन। रेगुलेशन ऑफ बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, फुल फॉर्म सब जानते हैं। जब भी हमसे पूछा जाता है बीएमआर क्या है तो हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। 11th में मैंने आपको सिखाया कि ऐसे मत बोला करिए बीएमआर इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, फुल फॉर्म थोड़ी पूछी जा रही है। आप ये कहिए द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाई ए ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए हम कोई काम ना करें सिर्फ पलंग तोड़े सारा दिन आराम करें, तो जिंदा रहने के लिए जो मिनिमम एनर्जी हमको चाहिए उसे बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर ये रेगुलेट नहीं हुआ, इससे कम एनर्जी मिली तो हमारी ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, रिटार्डेड ग्रोथ, ठीक है। और दूसरा इनका फंक्शन क्या होता है टी थ्री और टी फोर का, थायराइड ग्लैंड के ये हार्मोन है, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज। ब्रेन के पास चार टीचर्स हैं 11th के लेवल पर, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सिपिटल लोब, टेम्परल लोब, ऐसे इधर भी फ्रंटल पैराइटल ऑक्सिपिटल टेम्परल, चारों के फंक्शन हमने 11th में पढ़ रखे हैं। फ्रंटल लोब का काम मेमोराइजिंग डेवलपिंग थॉट्स आइडियाज इमोशंस इंटेलिजेंस, पैराइटल लोब बॉडी की पेरिफेरी पे क्या है स्किन, इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी सिग्नल, सेंसरी सिग्नल का मतलब इनपुट सेंसरी सिग्नल्स ऑफ हीट कोल्ड प्रेशर यू नो पेन, ये सब पैराइटल लोब। टेम्परल लोब सुनना और ऑक्सिपिटल लोब देखना, ये है मेंटल फैकल्टीज जिनका डेवलपमेंट ये करा रहे हैं। अगर ये दोनों हार्मोन नहीं है नहीं बने तो क्या होगा, ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी और मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, आया ना। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। PKU में क्या होता है, फिनाइल एलेनिन is not converted into tyrosine. क्योंकि जो एंजाइम ये काम कराता है वो डिफेक्टिव है, एंजाइम का नाम मैं नहीं बताऊंगा अभी आपको खुद पता चल जाएगा थोड़ी देर में, वेट करिए। एंजाइम क्यों डिफेक्टिव है, क्योंकि एंजाइम होते हैं प्रोटीन, प्रोटीन बनता है आरएनए से, आरएनए बनता है जीन से, जीन डिफेक्टिव है। तो फिर क्या होता है, अगर टायरोसिन नहीं बना तो फिर क्या बना, फिर बना विनाइल पाइरुविक एसिड और किडनी में इसका एब्जॉर्प्शन होता नहीं तो ये यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। तो क्या क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा कि नहीं होगा, ग्रोथ रिटार्डेड होगी कि नहीं होगी। एक जीन के डिफेक्टिव होने से दो फीनोटाइप हिंडर कर रही है, एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है,
भाई किसका एग्जाम्पल हुआ? PKU, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर तो ये है ही। किस क्रोमोसोम पर है ये भी मैं आपको बता चुका हूं पिछले क्लास में, क्रोमोसोम 12। यस, प्लियोट्रॉपी। तो क्या हमें एनसीईआरटी से आप प्लियोट्रॉपी पढ़नी चाहिए? क्या हमें इसका एग्जाम्पल वहां मिलेगा? यस ऑफ कोर्स। तो इसे हम दोनों जगह पढ़ेंगे। पहले हम इसे पढ़ते हैं चैप्टर 5 से, जहां ये एक्चुअली दिया हुआ है फिनाइल केटोनुरिया, फिर प्लियोट्रॉपी में जाकर के पढ़ेंगे, तो शायद हमें इस एंजाइम का नाम भी पता चल जाए। पहले फिनाइल केटोनुरिया बुक से पढ़ते हैं। दिस इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, जन्म से ही ये एरर है मेटाबॉलिक पाथवे में, इज ऑल्सो इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम दैट कन्वर्ट द अमीनो एसिड फिनाइलएलानिन इनटू टायरोसिन। एंजाइम का नाम नहीं लिखा है। As a result of this, phenylalanine is accumulated and converted into phenylpyruvic acid and other derivatives. Accumulation of these in brain results in mental retardation. एक सिंपल आ गया। These are also excreted through urine because of its poor absorption by kidney. ये बाहर निकल जाए। Now let us move on to pleiotropy. We have so far seen the effect of a gene on a single phenotype or trait. There are, however, instances where a single gene can exhibit multiple phenotypic expression. तो हमने तो एग्जाम्पल देखा था प्लियोट्रॉपी में ड्रोसोफिला का, अब हमें ह्यूमन में मिल गया एग्जाम्पल। Such a gene is called pleiotropic gene. The underlying mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of a gene on metabolic pathways, which contribute towards the different phenotypes. As an example of this is the disease phenylketonuria, which occurs in humans. The disease is caused by mutation in the gene that codes for the enzyme phenylalanine hydroxylase. मिला नाम के नहीं? एनसीईआरटी से मिला नाम के नहीं मिला? ये एंजाइम डिफेक्टिव है, ये बन नहीं रहा है क्योंकि जीन में डिफेक्ट आ गया। अभी तो और आगे पढ़िए। सिंगल जीन म्यूटेशन, दिस मैनिफेस्ट itself through phenotypic expression characterized by mental retardation. फिर आ गया। Reduction in here. Reduction in hair. बाल कम हो गए, बाल उड़ गए। Reduction in skin pigmentation. चार सिम्टम मिल गए और एनसीईआरटी में ग्रोथ रिटार्डेड होगी ये नहीं लिखा, ना पीकेयू में ना प्लियोट्रॉपी में। ये हम 11 से सीख कर गया कि T3 T4 नहीं बनेंगे। ये वाली बात बताई थी तुमने, लिंक करना हमारा काम होता है कि हम 11 की चीजों को 12 से लिंक करके पढ़ेंगे। तभी तो देखिए 11 का भी रिविजन हो गया थायरॉइड ग्लैंड का, और 12 का भी चीजें समझ में आ गई हमें अच्छे से। ऐसे लिंक करके पढ़ना चाहिए हमेशा, इसीलिए मैंने प्लियोट्रॉपी बुक से आपको पहले नहीं पढ़वाई। ओके, दैट्स वेरी गुड इफ यू हैव डन। नाउ कमिंग ऑन टू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। बच्चों ये समझ लीजिए, जो पेज नंबर मैं आपको बता रहा हूं या दिखा रहा हूं, क्योंकि मेरी बुक में और आपकी बुक में शायद पेज नंबर डिफरेंट होंगे। मेरी बुक में पेज 91 है, ये वाला डाउन सिंड्रोम, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। आपकी बुक में जो भी पेज हो, मेरी बुक में पेज 91 है। आपकी बुक में जिस पेज पर डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लीन फिल्टर सिंड्रोम हो, ठीक है, उस पेज को छोड़ करके मत जाइएगा अगर ये चैप्टर टेस्ट के सिलेबस में हो तो। हर टेस्ट हर एग्जाम, ओके, पेज 92 पे है, कोई बात नहीं। हर टेस्ट हर एग्जाम जिसमें ये चैप्टर सिलेबस में होगा, उसमें पेज नंबर 91 मेरी किताब का, 92 आपका, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, इसके अलावा पेपर बनते ही, ये पक्का क्वेश्चन है, समझ। इसको छोड़ के तो जाने नहीं किसी भी हालत में।
21st क्रोमोसोम में बजाय पेयर के हमको तीन दिखेंगे। क्रोमोसोम्स को जब हम मेटाफेज में ऑब्जर्व करते हैं थ्रू माइक्रोस्कोप और स्लाइड में उसको अरेंज कर लेते हैं, ये सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, जैसे कि बुक में फिगर बना हुआ, तो इनको अरेंज कर लिया सेल के अंदर और माइक्रोस्कोप में इसकी पिक ले ली, ठीक है। इसको बोलते हैं कैरियोटाइप। और कैरियोटाइप को अगर आप हाथ से बनाएंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, तो उसको बोलते हैं आइडियोग्राम। बहुत थोड़ा सा फर्क है, नेचुरली देख रहे हैं तो कैरियोटाइप देख रहे हैं, और जैसे उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंट कर दिया आपने, वो बन गया आइडियोग्राम। तो बजाय 46 के 47 क्रोमोसोम हो जाते। और इडियट वर्ड का जो मीनिंग होता है उसे हम फनी फॉर्म में ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं, क्योंकि डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट्स हैं वो हमेशा हमसे कहते हैं वी आर, मतलब वो और हम, वी आर मोर अलाइक देन डिफरेंट। वो कहते हैं कि हमें अपने से अलग मत समझो, हम अलाइक ज्यादा हैं, डिफरेंट कम। कितनी अच्छी बात है, सो वी शुड डेफिनेटली सपोर्ट देम। ऊपर वाले ने हमारे ऊपर इतना करम किया कि हमें नॉर्मल बनाया, और वो हमसे कह रहे हैं पेशेंट we are more alike than different, I'll send you a visual, don't worry, you see that। So basically word का meaning होता है बुद्धू बच्चों की तरह लगते हैं, partially open mouth, furrowed tongue, tongue मुड़ी रहती है, flat forehead, flat back of the head, उनकी जो palm crease होती है वो हमारी तरह नहीं होती, it is a characteristic order, different होता है वो, तो जन्म से ही उनको heart disease होती है, congenital heart disease, short stature, लिंडन डाउन ने पहली बार इसको देखा था, बुक में लिखा भी है, 1866 लिंडन डाउन, उन्हीं के नाम पर डिजीज का नाम है, और जिस जगह पे देखा था उस नाम पर इसका नाम भी रख दिया, मंगोलियन इडियोसी, मंगोलियन इडियट्स बच्चों को बोलते हैं, बट इस सेंस में नहीं कि हम उनका मजाक उड़ा रहे, जस्ट टू गिव देम अ नेम, ठीक है ना। तो ऑटोसोम बड़ा है यहां पर 21st, 22 तक तो ऑटोसोम है ना। So you have a reading of this from the book. Book में ये भी लिखा है psychomotor development is retarded. Psychomotor. इलेवेंथ में आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा, वहां आपने पढ़ा कि एफर वर्ड इज यूज फॉर इनपुट एंड ईफर वर्ड इज यूज फॉर आउटपुट। केमिस्ट्री में भी जब हम देखते हैं टेस्ट ट्यूब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो झाग निकलते हैं, जिसको आप बोलते हैं इफरवेसेंस, बाहर निकलना झाग का, एफर इनपुट इफर आउटपुट, जो न्यूरॉन इनपुट कराती है उनको हम बोलते हैं एफरेंट और सेंसरी, और जो आउटपुट कराती है उनको हम बोलते हैं इफरेंट और मोटर। तो साइको मोटर डेवलपमेंट रिटार्डेड है, यानी कि आप उनसे बात करेंगे तो रिस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा, साइको मोटर डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, ओवरऑल मेंटल रिटार्डेशन इज आल्सो देयर, ठीक है ना। तो इट्स ऑल गिवन इन द बुक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये देखिए इधर में, इधर ले लेते हैं फीमेल, इधर ले लेते हैं मेल, XX plus 44A, और मैं इसको ऐसे लिखता हूं 44A plus XX, 44A plus XX, 44A plus XY, 44A plus XY, ठीक है। 1, 2, 3 चार कंडीशन है, दो मेल दो फीमेल, ठीक है, ये दोनों फीमेल ये दोनों मेल। क्या होगा अगर फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाए, तो आपको बताया बार बॉडी दो पे आ जाएगी, क्रोमोसोम हो गए 47,
आप बोलेंगे फीमेल में फीमेलनेस बढ़ गई, लेकिन ये बन गई सुपर फीमेल, नॉर्मल फीमेल से ज्यादा स्ट्रेंथफुल बट एबनॉर्मल। नॉर्मल नहीं है ये, ठीक है ना, सुपर फीमेल, अभी बताऊंगा और भी। इसी तरह से अगर यहां पर एक वाई क्रोमोसोम बढ़ जाए तो आप बोलेंगे ये मेल में मेलनेस बढ़ गई, वाई फॉर मेलनेस 47 हो गए, ये बन गए सुपर मेल। बट भाई नॉर्मल मेल या नॉर्मल फीमेल से ज्यादा ये स्ट्रेंथफुल है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है दे डेवलप साइकोपैथिक टेंडेंसीज। अब ये क्या होती है भाई साइकोपैथिक टेंडेंसीज, क्या साइकोपैथिक? एक मूवी आई थी आपके अक्षय अंकल की, अक्षय कुमार अंकल, प्रीति जिंटा एंड आशुतोष राणा, मूवी का नाम था संघर्ष। उसमें आशुतोष राणा जो विलन थे वो ये दिखाए थे, उन्होंने अक्षय कुमार की खूब जमकर पिटाई करी है मूवी में। तो आशुतोष राणा ये सोचता था कि अगर मैं 100 बच्चों की बलि चढ़ा दूंगा तो अमर हो जाऊंगा। आप समझे साइकोपैथिक टेंडेंसीज का क्या मतलब, कि अगर 2 साल अनाज नहीं खाऊंगा तो मुझे कोई बीमारी नहीं होगी जिंदगी भर, तो वो अनाज नहीं खा रहा है, रोटी नहीं खा रहा है, चावल नहीं खा रहा है, फल खा रहा है 2 साल, ऐसी ऐसी बातें कुछ भी खैर। तो प्रीति जिंटा को जब पता चला कि ऐसा कर रहा है तो उसने बहुत कोशिश करी बच्चे को बचाने के लिए, अक्षय कुमार वो दोनों मिलकर के फाइनली दे द पर्सन राइट। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, ये यहां से एक गया, एक्स गया, ये यहां पर एक्स आया। आप बोलेंगे फीमेल में फीमेलनेस कम हो गई, एक्स की जगह आ गया 0.45 और मेल में फीमेलनेस बढ़ गई, ये टर्नर सिंड्रोम है। एंड दिस वन इज क्लेफेल्टर सिंड्रोम। इलेवेंथ में जब केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि सेक्स हार्मोन खाली टेस्ट और ओवरी से नहीं बनते, सेक्स हार्मोन जो किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होता है उसके कॉर्टेक्स से भी बनते हैं, उनको हम बोलते हैं गोनेडो कॉर्टिकॉइड्स, वो भी सेक्स हार्मोन की तरह काम करते हैं। अगर उनका इम्बेलेंस हो जाए तो फीमेल में मेल जैसे कैरेक्टर आ जाते हैं, जैसे कि मुस्टैचेस, बियर्ड्स एंड ऑल, मेल मस्कुलेचर फीमेल में। मैंने आपको 11 में एग्जांपल भी दिया। तो इसी तरह से अब मेल में फीमेल फीमेलनेस बढ़ गई, गायनेकोमेस्टिया, मैस्कुलिन माने मेल, मैस्कुलिन इज मेल जेंडर, गायनी फॉर फीमेल, मेल में फीमेलनेस आना, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू बुक में लिखा हुआ, ठीक है, और ये स्टराइल हो गए। सिमिलरली फीमेल से फीमेलनेस कम हो गई, और जो ओवरीज है वो रूडिमेंट्री हो गई, छोटी छोटी रह गई, ओवा का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, स्टराइल बन गई, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, और फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी कम हो गए। यहां मेल में फीमेलनेस आ गई, देखा, जैसे हाई पिच ऑफ वॉइस है ना, एक कैरेक्टर आता है आपने देखा, देयर वाज अ मूवी फीचरिंग गोविंदा सलमान अंकल, देयर वाज पार्टनर, मूवी से बहुत इंप्रेशन मिलते हैं, आप लोग आते हैं मैं देख के बना दिया बनाऊंगा, तो उसने एक कैरेक्टर को डोमिनेट नहीं, दैट मेल वाज लुकिंग लाइक अ फीमेल, उसी तरह से फीमेल मस्कुलेचर यू नो एंड ऊ आ आउच
sort of, you know, acting. That was there. तो ये सब different different characters हमें देखने को मिलते हैं, right? With that, this chapter is over.